मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको डिजाइनर गला कटिंग करना बताने वाली हूँ। डिजाइनर गले की कटिंग करना बताने वाली हूँ। डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके लिए आपको बुकरम लेनी है और बुकरम को डबल फोल्ड करना है। आपके गले की जो चौड़ाई है नाप के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने जो है उसकी चौड़ाई ली है ढाई इंच। ढाई इंच रखा है। चेस्ट ज्यादा हो तो आप सात चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। डिजाइनर गला जब हम बनाते हैं, लंबाई हमने ली है 7 इंच, तो उसकी लंबाई जो है थोड़ी ज्यादा लेनी होती है राउंड और चौकोर गले की बजाय। अब हमने उसे चौकोर डब्बे में बदल लिया है। अब हम उसे 3x7 का ढाई बाय से डब्बा बना लेंगे। अब हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करने वाले हैं। आप भी अपने कुर्ती के फ्रंट नेक में, बैक नेक में या ब्लाउज में इस तरह की डिजाइन बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इस तरह से बना लिया। सबसे पहले हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है। इस तरह का गला तो आपने कभी बनाया होगा, सिंपल ही है। अब आप इस तरह से अगर बना लेंगे गोलाई देनी, तो ये थोड़ा सा नए लुक का गला बन जाएगा। उसके बाद जितनी आपको बुकरम काटनी है, एक एक इंच उस हिसाब से रख लें। ये इस तरह से इस तरह की डिजाइन आप बना सकते हैं अपने कुर्ती में, कुर्ती के फ्रंट में, बैक नेक में, ब्लाउज में, साइड से जितनी चौड़ी बनाया जा सकता है। ज़्यादा चौड़ी भी अच्छी नहीं लगती, एक इंच काफ़ी है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं। 5 कोने वाले गले से आप इस तरह से इस तरह का नेक आप बना सकते हैं, हटके गला बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने अगले वीडियो में हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।